अक्वामे मुत्तहिदा, इसका मुताला करें। अक्वामे मुत्तहिदा को अंग्रेजी में UNO कहते हैं। यू से जो है यूनाइटेड, एन से नेशन और ओ से जो है ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसको हम उर्दू में अक्वामे मुत्तहिदा कहते हैं। आइए सबसे पहले जो है अक्वामे मुत्तहिदा कायम करने की जरूरत क्यों महसूस हुई, इस पस मंजर की तरफ जो है चलते हैं। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि इस सरजमीन पर जो है दो जंग अजीम वाक़ हुई है। पहली जंग अजीम जो कि 28 जुलाई 1914 को शुरू हुई थी और 11 नवंबर 1918 को ख़त्म हुई, एक तवील जंग जिसे हम जंग अजीम अव्वल के नाम से जानते हैं, जिसमें कमोबेश जो है 1 करोड़ सिपाही मारे गए थे, जिसके अंदर जो है बहुत ज्यादा तौर पर जानी वो माली नुकसान हुआ था। इसी दौरान जो है ऐसा महसूस किया गया कि इस किस्म की जंगें जो है वो दुनिया के तमाम ममालिक के लिए जो है नहायत खतरनाक साबित हो सकती है, लिहाजा ऐसी जंगों को खत्म करने के लिए 19 जनवरी 1920 में मजलिस अक़वाम का जो है कयाम अमल में आया। लेकिन पहली जंग के अजीम के बाद जो है मजलिस अक़वाम तो बनी जनवरी 1920 में, लेकिन ये कुछ ज्यादा कारगर साबित नहीं हुई। इसकी नाकामयाबी का जो नतीजा है वो इसमें देखने मिलता है कि दुनिया में फिर से जो है वो दूसरे जंगे अजीम ने जो है पैर फैलाया। लिहाजा 1 सितंबर 1939 को दूसरे जंगे अजीम शुरू हुई जो कि 2 सितंबर 1948 तक चली, और ये इतनी खतरनाक, इतनी लंबी, इतनी तवील जंगे अजीम थी जो 6 साल तक चली। इस जंगे अजीम में कमोबेश 1.5 करोड़ सिपाही और आम इंसान जो है मारे गए थे और नहायत जो है खतरनाक तौर पर, बहुत ज्यादा तौर पर जानी और माली नुकसान हुआ था। ये पहली जंग थी जिसके अंदर जो है एटमी ताकत का भी इस्तेमाल किया था, और एटमी ताकत का इस्तेमाल ये मजलिस अक़वाम की जो है नाकामयाबी की निशानी थी। इसलिए जो है 1946 में मजलिस अक़वाम को जो है रद्द कर दिया गया, बर्खास्त कर दिया गया। आइए इस पस मंजर के बाद जो है अक़वामे मुत्तहिदा के तश्कील के मदारिज की तरफ ध्यान दें। प्यारे बच्चों, जैसा कि हम जानते हैं कि दूसरी जंगे अजीम शुरू थी 1939 से 1948 के दरमियान में। इसी दौरान में 14 अगस्त 1941 में क्या हुआ कि बरतानिया के वजीर आजम विंसन चर्चिल और अमरीकी सदर फ्रैंकलिन डी रोजवेल्ट के दरमियान जो है एटलांटिक माहदा हुआ, और इस माहदे में यह तय किया गया कि कुछ मुख्तलिफ ममालिक को जो है मिलकर जिम्मेदारी लेकर जो है इस किस्म के जंगों को खत्म करना चाहिए। इस बिना पर जो है 1944 और 1945 सन ईस्वी में मुत्तहिदा महास कायम किया गया, जिसके अंदर जो है तमाम मुल्कों ने हिस्सा लिया। उस वक्त जो है कमोबेश 50 ममालिक ने जो है इस मुत्तहिदा महास के दौरान जो है इस परचम तले जो है मुख्तलिफ किस्म के मीटिंगों में जो है अपनी जो है हाजिरी दर्ज की, और मुकम्मल तौर पर, मुफस्सल तौर पर बहसों मुबाइसे के बाद, मुकम्मल तौर पर गुफ्तो शुनीद के बाद जो है बैनुल अक़वामी इदारा अक़वामे मुत्तहिदा तैयार करने का मसूदा जो है वो अमल में आया। लिहाजा 1945 सन ईस्वी में सैन फ्रांसिस्को इस मकाम पर जो है 50 ममालिक के नुमाइंदों की
गुफ्तगुशुनीद हुई और उसके बहुत गौर व खौस के बाद अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया, जो 24 अक्टूबर 1945 को जो है ये अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम अमल में आया, जो कि दूसरी जंग-ए-आज़िम के फौरन बाद की कारकर्दगी है।